आई होप यू ऑल आर वेल। सो कल हमने देखा किस तरीके से राजा पहले अपने लोगों के लिए लड़ता था, फिर उसने टेरिटरी के लिए, लैंड के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था, और फिर उसने दूसरी लैंडों को कैप्चर करने के लिए, दूसरे दूसरे राजाओं की लैंड को कैप्चर करने के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था। कैसे पहले जनों का राजा हुआ करता था, लोगों का राजा हुआ करता था, फिर जनपद का राजा हुआ, फिर महाजनपद का राजा हुआ। तो इस तरीके से हमने लास्ट चैप्टर्स में, अपने चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में सब देखा था। तो आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म की, है ना? जैसे कि अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, क्लास नंबर 6, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा के बाद हम इसमें जैनिज्म भी देखेंगे। पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे लास्ट टॉपिक छूट गए थे, कल छूट गए थे, तो हम उसको देखते हैं कि दो इंपॉर्टेंट महाजनपदास के नाम बताए गए हैं इसमें। पहला है मगध और दूसरा है वज्जी। तो मगध का क्या था? मगध जो था उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बन चुका था। बहुत सी रिवर्स थी यहाँ पे, गंगा एंड सन, गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको हम सन कहते हैं। मगध से क्या होती थी? फ्लो होती थी। तो मगध के पास ना बहुत सी एडवांटेजेस थी। बहुत सी एडवांटेजेस कैसे थी? क्योंकि ये जो मगध था ना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें, जैसे कि मगध था, मगध के क्या था, ये रिवर्स वगैरह भी जाती थी यहाँ से। जैसे आप मान सकते हो कि रिवर्स वगैरह जा रही हैं, तो क्या था कि जस्ट सपोज कीजिए कि एक आर्मी यहाँ पर है, उस आर्मी को क्या है यहाँ जाना है, तो क्या था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता था इसमें। जैसे इसमें इन्होंने दिखा भी रखा है कि दिस वॉज इम्पोर्टेंट, महाजनपदा जो थी मगध, इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता था, क्योंकि ये गंगा रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी ना, वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करती थी। वाटर सप्लाईज यहाँ पे ज्यादा रहता था, वाटर सप्लाईज रहता था तो क्या थी, लैंड फर्टाइल रहती थी, लैंड फर्टाइल रहती थी तो एग्रीकल्चर बहुत था, एग्रीकल्चर बहुत था तो रेवेन्यू बहुत जनरेट होता था, रेवेन्यू बहुत जनरेट होता था तो राजा जो था टैक्स लगा के मतलब रेवेन्यू को अच्छे से यूज कर पाता था। तो एक तो दो तीन तो ये इंपॉर्टेंट हो गए जिसके वजह से मगध को इंपॉर्टेंट बताया गया है। दूसरा क्या था, पार्ट्स ऑफ द मगध फॉरेस्ट रे, मगध के अंदर क्या थे, बहुत से फॉरेस्ट भी थे जहाँ पे बहुत से एलिफेंट्स वगैरह भी पाए जाते थे। तो एलिफेंट्स क्या था, एलिफेंट्स को किसमें करते थे, पकड़ते थे और क्या करते थे, ट्रेन करते थे आर्मी के लिए। तो एलिफेंट थे, इन पे बहुत से एलिफेंट थे जो जो आर्मी में यूज किए जाते थे इनके द्वारा। फिर यहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट जो था प्रोवाइड करता था, लकड़ी को प्रोवाइड करता था, किस लिए, हाउस बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए। देयर वर आयरन ओर माइंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, ये आयरन ओर माइंस, आयरन ओर माइंस के वजह से क्या था यहाँ पे, आयरन ओर माइंस के वजह से जो इनके वेपन्स हुआ करते थे वो आयरन के हुआ करते थे, और एज कंपेयर टू वुड या फिर स्टोन, आयरन वेपन्स जो होते थे बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, इसलिए क्या था, स्ट्रांग होते थे और अच्छे होते थे, इसलिए क्या था, ये कुछ एडवांटेजेस थी मगध के पास जिसके वजह से मगध जो था एक इंपॉर्टेंट महाजनपदा बन गया था। तो मगध के क्या थे, दो पावरफुल, वेरी पावरफुल रूलर्स थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ये हम नाम को मेमोराइज कर सकते हैं, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। तो क्या था, बिंबिसार एंड अजातशत्रु जो थे सबसे पहले थे राजा रहे थे इनके, बिंबिसार, बिंबिसार के लड़के कौन थे, अजातशत्रु, ठीक है, एक सेकेंड, अजातशत्रु, अजातशत्रु। तो हुअर पॉसिबल मींस टू कॉन्क्वेर, इन्होंने क्या करा था, आसपास की जो इनके जनपद से उनको कॉन्क्वेर करते थे ये, ठीक है, कॉन्क्वेरर थे, बहुत बढ़िया। तो महापद्म नंदा वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर था। ये कुछ रूलर्स के नाम है, आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं, कौन से, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंदा, ठीक है। तो इनकी जो प्रेजेंट डे आज में राजगीर जो है राजस्थान में, वो क्या थी, इनकी राजगिरा कैपिटल थी, बाद में इनकी कैपिटल शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र। तो क्या था यहाँ पे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या था, 2300 साल पहले एक रूलर थे अलेक्जेंडर, आप सबने सुना होगा, अलेक्जेंडर जो थे मैकेडोनिया, यूरोप से आए थे, यूरोप से आए थे, वो क्या थे, वो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, अलेक्जेंडर जो था वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, उसके पास ग्रेट आर्मी थी। तो उसने क्या करा, उसने
वेस्ट एशिया से हमारे इंडिया में घुसता आ गया, जैसे अफगानिस्तान होता हुआ, पाकिस्तान होता हुआ, आज का पाकिस्तान होता हुआ, उसने क्या करा, उसने क्या करा, वो इंडिया में घुसा। और जब वो इंडिया में घुस के नॉर्थ वेस्ट में घुसा था, जैसे कि आपको पता होगा ये हमारा नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो इस पोर्शन में क्या था, अलेक्जेंडर आया था, और अलेक्जेंडर आया था तो क्या था, वो जाना चाहता कहाँ पे, मगध में जाना चाहता था। लेकिन जब वो मगध को पहुंचने वाला था, तब क्या था, उसके जो सोल्जर्स थे उसने मना कर दिया साफ, उन्होंने मना कर दिया कि सर हम नहीं जाएंगे मगध में, क्योंकि मगध की प्रोस्पेरिटी जो थी, मगध की इंपॉर्टेंस जो थी, वो सब जानते थे उस टाइम पे कि किस तरीके के उनके पास सोल्जर्स थे, किस तरीके के उनके पास एलिफेंट्स थे, कितने आयरन ओर्स वेपन्स थे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी था वहां के, वहां की प्रॉस्पेरिटी सब जानते थे, फर्टाइल लैंड वगैरह सब जानते थे। इसलिए क्या था, उसके सोल्जर्स ने क्या था, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। और तब अलेक्जेंडर ने एक बात कही थी, जैसे आज हम कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, तो ये जो रिलेट करते हैं अलेक्जेंडर की बात से रिलेट करते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर ने कहा था कि मैं, मतलब मेरे को एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ क्या कहा था उसने। अलेक्जेंडर ने कहा था कि मैं अलेक्जेंडर जो वर्ल्ड को जीतना चाहता हूं, और बहुत से वर्ल्ड को जीत चुका हूं, मुझे जो आज तक मैं किसी से हारा नहीं, और आज मुझे मेरी ही सेना ने हरा दिया। तो इसी वजह से वो कहावत बनी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी इसकी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी जो थी, एक बच्ची थी, वज्जी की इंपॉर्टेंस क्या थी, बिहार में पड़ती है, इसकी कैपिटल जो थी वैशाली बिहार में है। तो मद्दी वज्जी में क्या था, जैसे कि हम जितनी भी महाजनपदाज देखते हैं, जनपदाज हमने देखी, तो इनमें क्या था, इनमें एक रूलर हुआ करता था, एक राजा, जैसे बिंबिसार हुआ, फिर अजातशत्रु हुआ, फिर माँ पद्मा हुआ, है ना, एक राजा हुआ करता था। और भी जनपद के हम देखेंगे आगे भी, जैसे अशोका, अकबर, एक राजा हुआ करता था। लेकिन बच्ची की क्या इंपॉर्टेंस थी, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, इसमें जो था एक राजा ना होके गण या फिर संघ, मतलब ग्रुप ऑफ किंग्स या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, जैसे कि आज भी हम देखते हैं, अगर एक इंडिविजुअल बंदा अगर अपना कोई डिसीजन ले रहा है तो वो उसकी थिंकिंग पे बेस्ड होता है, लेकिन वही डिसीजन अगर ग्रुप में लिया जाए तो हमारे को 10, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, तो हमारे को 10 थिंकिंग पता चलेगी, 10 प्रॉन्स पता चलेंगे, 10 कॉन्स पता चलेंगे, फायदे और नुकसान पता चलेंगे, तो हम उस बेसिस पे एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। तो यही क्या होता था वज्जी में, क्या था वज्जी में, गना और संघ को क्या था, गना और संघ टाइप की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुआ करते थे, जितने भी किसी पे अटैक करना है, किसी से बचना है, जितनी भी तरह की चीजें होती थी, ये क्या थी, डिस्कस की जाती थी, रेगुलर मिला जाता था, और उसमें क्या था, डिस्कस किया जाता था सबको। और इन्हीं से क्या थे हमारे जो बुद्धा हैं, बुद्धा एंड महावीरा, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो हमारे गुरु थे, वो यहाँ से इन्हीं गणा और संघ से मिलते हैं। सुनाओ, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। जैसे कि हम सब जानते हैं, सिद्धार्था, जिसे हम गौतम बुद्धा भी कहते हैं, गौतम फाउंडर थे बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म क्या है, एक रिलीजन है, बुद्धिज्म के फाउंडर थे, बुद्धिज्म के फाउंडर थे, और ये क्या थे, 2500 साल पहले जन्म हुआ था इनका। दिस वाज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। क्या इस टाइम क्या था, लोग बहुत तेजी से बदल रहे थे, है ना, जैसे कि हमने चैप्टर 6 5 में ही देखा किस तरीके से लोग जना से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, लोगों में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी जीतने के लिए, एक दूसरे की लैंड को कंक्वर करने के लिए। तो क्या थे, चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे थे, महाजनपदाज ग्रोइंग हो रही थी, है ना, पोर पावरफुल न्यू सिटीज डेवलप हो रही थी, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, डेवलप हो रही थी, एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन विलेज एज वेल एज टाउन, विलेज गांव में, टाउनों में, सिटीज में, सब जगह क्या थी, लाइफ चेंज हो रही थी। तो मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट ट्रू मीनिंग्स ऑफ लाइफ। जैसे कि हमने देखा सोसाइटी चेंज हो रही थी गांव और उसमें, तो हमने देखा वर्ण सिस्टम आया, है ना, वर्ण सिस्टम आया, अनटचेबल्स आया,
तो इससे क्या था, बहुत से लोग जो थे परेशान थे कि क्यों लोगों को वर्ण में बांटा जा रहा है, क्यों लोगों से घृणा की जा रही है, क्यों लोगों को अछूत बनाया जा रहा है, क्यों उन्हें छूने नहीं दिया जा रहा है, क्यों उनको उनके राइट्स हक नहीं मिल रहे हैं। तो इस लोग इन सब चीजों से क्या थे, लोग परेशान थे। तो क्या थे, सिद्धार्थ गौतम जो थे उन्होंने क्या करा, जो एक स्मॉल गणा से बिलोंग करते थे, शाक्य गणा नाम था उनका, आप मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और ये क्या थे, क्षत्रिय थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने क्या था, अपने सारे कंफर्ट जो थे वो त्याग दिए और ये नॉलेज की तलाश में निकल गए। ये क्या थे, बहुत सालों तक घूमे, बहुत मीटिंग्स करी, बहुत डिस्कशंस किए थिंकर से, और फाइनली इन्होंने क्या करा, अपना एक अपना पाथ चुना एंड मेडिएट करा फॉर डेज टू ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया एंड बिहार। बिहार के अंदर बोध गया में एक पीपल ट्री है, उसके नीचे क्या करा इन्होंने, मेडिटेशन करा, मेडिटेशन करा बहुत महीनों दिनों तक इन्होंने मेडिटेशन करा और क्या करी, एनलाइटमेंट प्राप्त करी। ठीक है, तो आफ्टर दैट ही वाज नोन एज द बुद्धा, मींस वॉइस मैन, वॉइस मैन कहा जाता था, मतलब बुद्धि वाला इंसान, वॉइस वन। ही वेंट देन वेंट सारनाथ गए नियर वाराणसी, जहां पे इन्होंने क्या करा अपना फर्स्ट लेसन दिया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन गोइंग फुट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल हिज पास्ट अवेयर्स कुशीनारा। हम चीजें देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एनलाइटमेंट को प्राप्त करा और कहाँ कहाँ इन्होंने अपने प्रीच दी, जैसे सारनाथ में इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रीच दी थी पीपल ट्री बोध गया के नीचे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धा क्या सिखाते थे, अब हम बुद्धा की टीचिंग देखते हैं, बुद्धिज्म हमें क्या सिखाता है। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा कहते थे, सिखाते थे कि जिंदगी जो है बहुत ही कठिनाइयों और दुखी दुख से भरी हुई है। दिस इज कॉज्ड, ये क्यों है, क्योंकि हमारी क्रेविंग्स और डिजायर्स जो फुलफिल नहीं हो पाती, हमारी इच्छाएं इतनी सारी हैं जो फुलफिल नहीं हो पाती। तो इसीलिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको साइकिल चाहिए है ना, आपने अपने पेरेंट्स से बोला फादर मम्मी पापा मुझे साइकिल चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो ये साइकिल क्या थी, आपकी इच्छाएं थी, लेकिन जब वो पूरी नहीं हुई, आपको साइकिल नहीं मिली, तो आप दुख हो गए। तो यही बुद्धा सिखाते थे कि लाइफ जो है दुखों से भरी हुई है, क्योंकि हमारी डिजायर्स और इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कई बार क्या होता है, हमें जो चाहिए हमें वो मिल भी जाता है, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आपको 100 रुपये मिल जाए तो आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, आप ये सोचते हो 100 रुपये और मिल जाए, 200 रुपये और मिल जाए। तो इस तरीके से हम क्या है, सेटिस्फाइड नहीं होते एंड वॉन्ट इवन मोर, और ज्यादा की तलाश रहती है। तो बुद्धा कहते थे दिस इज दिस एज थर्स्ट, या फिर तन्हा, ये क्या है, प्यास कहते थे इसे, कि भैया तुम्हारा तन्हा प्यास है तुम्हारी। ये ही टॉट दैट, ये सिखाते थे कि दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। कहते थे कि इन क्रेविंग्स को, इन इच्छाओं को, इन लालसा को आप खत्म कर सकते हो। कैसे, ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। ये भी सिखाते थे कि पीपल को क्या है, काइंड रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने से दूसरी लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव करते थे कि द रिजल्ट्स ऑफ अवर एक्शन, कर्म जो आज हम कहते हैं ना कि सब कर्मों का फल है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा होगा। तो ये बिलीव करते थे, जो बिलीव करते थे कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके कर्म का नतीजा है, वेदर गुड हो रहा है या बैड हो रहा है, अफेक्ट अस बोथ इन इस लाइफ द नेक्स्ट। तो द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। पहले क्या थे, जो हमारे सॉरी पंडित वगैरह जो होते थे, ब्राह्मण वगैरह होते थे, ये संस्कृत में ही प्रीच करते थे, संस्कृत में ही सिखाते थे। तो जो ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, वो इनकी बातों को समझ नहीं पाते थे। लेकिन बुद्धा क्या थे, बुद्धा ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज थी प्राकृत हुआ करती थी उस टाइम पे, उसमें ही क्या करते थे, ये प्रीच करते थे, उसमें ही सिखाते थे। ही आल्सो एनकरेज करते थे पीपल को टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। और क्या थे, ये एनकरेज भी करते थे लोगों को कि जो मैं कह रहा हूं उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपने आप भी सोचो और उसके बाद अपना डिसीजन लो। ठीक है, फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वर प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटल अर्लियर अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। उपनिषद क्या थे, जैसे बुद्धा जब अपने टाइम पे बुद्धा कर रहे थे, बुद्धा प्रीच कर रहे थे, टीच कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या था, और जो थे थिंकर्स जो थे, जैसे कि ब्राह्मण कह सकते हो, वो भी क्या थे, अदर थिंकिंग को ट्राइड कर रहे थे, आंसर पाने की कोशिश कर रहे थे डिफिकल्ट क्वेश्चन की। तो सम ऑफ देम वॉन्टेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ जो थे
कि जिंदगी होती है या नहीं, मौत के बाद जिंदगी होती है या नहीं, होती भी है तो कैसी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन को फाइंड कर रहे थे। अदर फाइंड कर रहे थे जानना कि वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, अदर ये जानना चाहते थे कि ये जो ब्राह्मण लोग सेक्रीफाइस करवाते हैं, राजा लोग ये सेक्रीफाइस करते हैं, ये क्यों करते हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। और कुछ थिंकर्स ये सोचते थे कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा परमानेंट है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। तो दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मन, दे डिस्क्राइब एज द आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। क्योंकि हम आज भी हम देखते हैं कि मरने के बाद आत्मा आत्मा जिंदा रहती है। तो कुछ ऐसे थिंकर्स भी थे जो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे थे, और उनका बिलीव था कि भैया जब इंसान मर जाता है उसके बाद भी क्या है, उनकी आत्मा जिंदा रहती है। तो द बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। और इस तरीके की थिंकिंग डेवलप हो गई थी कि लोग की ब्राह्मण जो है वो ही आत्मा है। ठीक है, तो मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, और यही आइडियाज जो थे यही क्या थे, उपनिषद में रिकॉर्ड हुए। मतलब जो थिंकिंग थी, लोगों के क्वेश्चंस थे, लोगों के सोच थी, वो क्या थे, वो उपनिषद बन गए हमारे। तो दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, और यही पार्ट थे लेटर वैदिक टेक्स्ट के। हमने लास्ट उसमें चैप्टर में देखा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, लेटर वेद। लेटर वेदिक में हमारे लास्ट के तीन आते थे, लेकिन अर्ली वेदिक में क्या थे, ऋग्वेद आता था। तो लेटर वेदिक के पार्ट थे उपनिषद। उपनिषद लिटरली मीन्स, उपनिषद का लिटरली मीन्स होता था अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोच करना और पास बैठना, अप्रोच करना और पास बैठना, एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशन। मीन सिंपल क्या होता था, एक टीचर हुआ करता था जो क्वेश्चंस के जवाब देता था, और कुछ स्टूडेंट्स हुआ करते थे या एक स्टूडेंट हुआ करता था जो जवाब सुनता था। तो ये क्या था, एक तरीके से वो टेक्स्ट था जिसमें बातें होती थी, टीचर्स और स्टूडेंट्स की बातें होती थी, वही क्या थे, उपनिषद बन गए थे। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स जो थे आदमी हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे, और स्पेशली ब्राह्मिन्स और राजास हुआ करते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर। अब देखो, जहां हम पीछे देख रहे थे कि शूद्रास की कैटेगरी में क्या था, वुमेन्स को रखा जा रहा था, है ना, वुमेन्स को रखा जा रहा था, लेकिन अब क्या था, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस वुमेन्स की आ गई थी, है ना। शुद्रास को वुमेन में रखा गया था, लेकिन अब क्या था, अब इंपॉर्टेंस क्या थी वुमेन्स की, यहाँ पे वुमेन्स की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। एक सेकेंड, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। तो यहाँ क्या था, देखो शुद्रास में जैसे कि हमारे को दिखाया जा रहा था, यहाँ क्या था, यहाँ इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही थी कि अब जो थी औरतें जो थी पार्ट ले रही थी। मतलब उपनिषद में क्या थी, बहुत सी थिंकर्स ऐसी भी थी जो वुमेन्स थी, वुमेन थिंकर्स थी, है ना, वुमेन थिंकर्स थी। जैसे कि गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हिज लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, रॉयल कोर्ट्स में डिबेट हुआ करती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, लेकिन पुअर लोग जो थे, शूद्रास जो थे, आज भी उनकी क्या थी, कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। वन फेमस एक्सेप्शन जो था, सत्यकाम जबाला, पुअर पीपल में आता था सत्यकाम जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, उसकी मदर का नाम था, जो कि एक स्लेव वुमेन थी, जबाली, स्लेव वुमेन जबाली थी। उसका जो पुत्र था सत्यकाम जबाला, वो पुअर पीपल में एक रेयर केसेस था, जो कि इन कोर्ट्स में क्या था, उपनिषद में, थिंकर्स में इन्वॉल्व था। तो ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वाज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, और एक ब्राह्मण टीचर था जिसका नाम था गौतमा। ये गौतम पुत्र वाले से मत समझ, नहीं, गौतमा अलग है, गौतमा था, ठीक है, जो टीचर था इनका, एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। तो मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट होम, शंकराचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये क्या था, जैनिज्म के बारे में था, उपनिषद के बारे में था, कि किस तरीके से जैनिज्म और उपनिषद उस टाइम पे बढ़ रहे थे। अब आता है, सॉरी, ये जो हमने पढ़ा ये था बुद्धिज्म और उपनिषद के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि टाइम चेंज हो रहा था, थिंकर्स डेवलप हो रहे थे, थिंकिंग डेवलप हो रही थी, तो लोगों के पास सवाल भी बहुत थे, सवाल के वो जवाब भी चाहिए थे। तो
तो पहले जवाब कैसे मिलते थे, लोग मेडिटेशन करते थे बहुत बहुत सालों तक, आपस में डिस्कशन करते थे, उस तरीके से उन्हें जवाब मिलते थे। जो आपस में डिस्कशन करते थे वो हमारे उपनिषद में लिखे गए, जो मेडिटेशन से ज्ञान प्राप्त करते थे वो हमारे बुद्धिज्म हो गए, फिर जैनिज्म हो गए, जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनन्स, ठीक है, वर्धमान महावीर आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। इस टाइम में क्या था, महावीरा जो थे, वर्धमान महावीरा 24th तीर्थंकरा। तीर्थंकरा हम एक तरीके से कहते हैं जैन का टीचर जो हुआ करता था, जो प्रीच किया करते थे, है ना, उनको हम तीर्थंकरा कहते हैं। 24th तीर्थंकरा जो थे वर्धमान महावीरा, वो भी इस टाइम पे आए और उन्होंने अपने बताया। ये क्या थे, ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे और लिच्छावीस फैमिली से बिलोंग करते थे, लिच्छावीस संघ से, ठीक है, जो हमने पहले देखा। तो एक ग्रुप दैट वॉज पार्ट इन वज्जी संघ, संघ वज्जी संघ में हम पढ़ा था ना। तो एट द एज ऑफ 30 इन्होंने क्या करा, अपना घर छोड़ दिया, फॉरेस्ट में गए और 12 साल तक इन्होंने क्या करा, अकेले रहे। और जिसके बाद इन्हें क्या मिली, प्राप्त हुई एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त हुआ। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, ये सिंपल डॉक्ट्रिन कहते थे कि मैन एंड वुमेन हु वर्शिप टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। ये कहते थे कि आदमी हो या औरत हो, जिसे भी ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, जिसे भी उसके जिंदगी की सच्चाई को जानना है, उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, उन्हों को बहुत अहिंसा का रूल फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, मतलब किसी को भी हर्ट नहीं करना, किसी को भी जान से नहीं मारना। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, ऑल टू टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, मतलब सबके लिए लाइफ जो है प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल जो है कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकेम दे यूज प्राकृति, ये भी क्या थे, प्राकृत यूज करते थे। तो क्या था इनकी टीचिंग में, क्या था, ये क्या थे, अहिंसा का बताते थे कि मतलब किसी को ना हर्ट करना है ना किसी को मारना है, और दूसरा क्या था, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा अगर आपको सच्चाई की ट्रुथ जानना है जिंदगी का। तो फॉलोअर्स जो थे महावीरा के वो इतने ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ पाए थे क्योंकि जो इनकी कंडीशंस थी ना, कंडीशंस इनकी एक दो कंडीशंस और हैं। फॉलोअर जो थे महावीरा के वो नोन एज जैनाज कहा जाता था, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, कि भैया तुम्हें बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी खाने की। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहना पड़ेगा एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, कभी चोरी नहीं कर सकते। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिब्रेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ। और अगर तुम जैन को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें क्या है, अगर तुम जैन को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें अपने कपड़े भी त्यागने पड़ेंगे। तो इस तरीके की क्या थी, बहुत स्ट्रिक्ट बातें थी इनकी, जिसके वजह से क्या था, इनके जो फॉलोअर्स थे उनको बहुत डिफिकल्टी हुआ कर होती थी इनको फॉलो करने में। सेलिब्रेसी, सेलिब्रेसी मीन्स होता है जो आपको अब ब्रह्मचारी वाला जीवन जीना पड़ेगा, ब्रह्मचारी मतलब शादी नहीं कर सकते, उसे सेलिब्रेसी कहते हैं, ठीक। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन, के लिए डिफिकल्ट हो जाता था, वुमेन के लिए डिफिकल्ट हो जाता था, मैन के लिए डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि वुमेन के लिए कपड़े को त्याग करना बहुत ही गलत था उनके लिए, उस टाइम पे नहीं कर सकते थे। तो कुछ ऐसे ऐसे चीजें थी जो फॉलो नहीं कर पाते थे इनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, क्योंकि थाउजेंड्स को अपना घर छोड़ना पड़ता था टीचिंग के लिए, ठीक है। जैनिज्म सपोर्ट नहीं मेनली बाय टीचर्स, स्विमर्स और क्या थे, एग्रीकल्चरर्स जो थे, एग्रीकल्चर जो करने वाले थे वो भी नहीं कर पाते, वो भी इनको फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या था, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता था, है ना, कीटाणु का यूज, मतलब फसल को सही करने के लिए बहुत चीजें थी जिनको मारा जा, जो कीड़े वगैरह होते थे उनको मारा जाता था एग्रीकल्चर के लिए। तो क्या था, उस टाइम पे डिफिकल्ट हो जाता था फार्मर्स के लिए, वुमेन्स के लिए अपना घर छोड़ना, आदमियों के लिए अपना घर छोड़ना, वैवाहिक रहना, शादी ना करना। तो इसलिए क्या था, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती थी जो इनको इनके फॉलोअर्स को होती थी, ठीक है। संघ के बारे में हमने बता दिया कि दोनों संघ से बिलोंग करते थे, आप इधर पढ़ सकते हैं। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर, क्या थे जो इनके मॉन्क्स हुआ करते थे जैन के, मतलब जो फॉलोअर्स हुआ करते थे मॉन्क्स जो हुआ करते थे, ये प्लेस टू प्लेस जाते थे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल घूमते थे, टीच लोगों को टीच करते थे। तो दे ओनली टाइम स्टेड इन वन प्लेस वेयर वेयर
द ड्यूरिंग सीजन इट वॉज वेरी थिन डिफिकल्ट टू ट्रेवल देन देयर स्टॉपर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स एंड गार्डन फॉर देम इन गार्डन और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। तो क्या था कि जब ये प्लेस टू प्लेस जाते थे थ्रू आउट द ईयर, टीचिंग करते थे पीपल को, पीपल को सिखाते थे, टीच करते थे, तब क्या होता था, तब ये जहां भी रुकते थे ना वहां पे एक अपना टेम्परेरी शेल्टर बना लेते थे, टेम्परेरी शेल्टर बना लेते थे। तो क्या करते थे, वहां पे रहते थे, वहां पे रहते थे, वहां पे क्या करते थे, वहां पे अपना जीवन बसर करते थे कुछ समय के लिए। और फिर बाद में क्या था, बाद में यहाँ पे क्या थी, मोनेस्ट्रीज बना दी गई थी, ठीक है, परमानेंट मोनेस्ट्रीज बना दी गई थी। तो द एट द टाइम एट टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स जो थे मॉन्क्स के एंड नंस के, एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। टाइम टू टाइम ये इधर से उधर जाते रहते थे, तो क्या था, जरूरत पड़ी परमानेंट शेल्टर की, परमानेंट शेल्टर के लिए क्या करा इन्होंने, मोनेस्ट्रीज बना दी करी। और इन्हें क्या कहा, विहारास कहा, करा विहारास कहा कहा जाता था। विहारास जो थे लकड़ी के बनते थे, ईटों के बनते थे, समवेयर इवन केव्स, केव्स में भी होते थे, पहाड़ों को खोद के बनाए जाते थे, डग आउट इन द हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया में। तो इस तरीके से क्या था, इनके विहारा हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, ये क्या होते थे, इनके शेल्टर प्लेस हुआ करते थे जहां पे रहते थे, ठीक है, शेल्टर प्लेस हुआ करते थे जहां पे ये रहते थे। सो आई होप आपको समझ आया होगा, यही था इसका सारा सार चैप्टर का अच्छे से। आप इसको एक बारी खुद भी पढ़ सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो। गाइस यू आर फील फ्री, यू फील फ्री टू आस्क, कभी भी कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक ही चीज को मुझसे 10 बार ही पूछ रहे हो, बट मेरे को खुशी होगी जब आप पूछोगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उनको ये मिल पाए। सो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।